Hi, a very happy new year, and I welcome you all on my channel. My channel is parmindermitter, where I post whatever I like, whatever I feel, sometimes on food, sometimes on motivation, sometimes on the classes I take, sometimes on nutrition and topics about hormone management. So today I'm taking a very burning topic from many years for the candidates of hotel management, whether the career in hotel management is suitable for females or not. क्या लड़कियों को ये hotel management का जो career है वो अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, इस पर मैं बात कर लेती हूँ. इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ तो मैं अपना एक experience ज़रूर share करना चाहूँगी. जब मैंने OCLD के लिए interview दिया था ओब्रॉयज में, तो मुझे एक ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक आया था कि फीमेल शेफ्स आर बेटर शेफ देन मेल शेफ. तो मेरा जो टेक था उसमें कि जो फीमेल या मेल होना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इम्पॉर्टेंट होता है कि आप में शेफ़ बनने की क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है. एंड आई वॉज द ओनली पर्सन टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दैट ग्रुप डिस्कशन. सो इसी टेक के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगी कि अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, इससे होटल मैनेजमेंट में कोई या किसी भी करियर में कोई अंतर नहीं पड़ता है. अंतर तब पड़ता है जब आप में क्वालिटीज़ उस क्षेत्र के लिए हैं या नहीं है. अब अगर हम लोग क्वालिटीज़ की बात करें तो भले वो मेल है या फीमेल है, उसके लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं होटल मैनेजमेंट करियर को अपनाने से पहले, उसे अपने अंदर जो टटोलना चाहिए कि मेरे अंदर ये है या मैं इन चीज़ों को अपना पाऊँगा या नहीं अपना पाऊँगी, वो सब जो क्वालिटीज़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले जो होटल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है वो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स. क्या आप वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं? फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, क्या आपकी फ्लुएंसी है और क्या आप एक्स्ट्रा कोई लैंग्वेज को अपना सकते हैं, जैसे फ्रेंच हो गया, जैसे जर्मन हो गया, जैसे स्पैनिश हो गया, वो भी काफ़ी फ़ायदा करती है. उसके बाद में अंडर स्ट्रेस आप कितना काम कर सकते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स में आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कितनी है, आप जो ये जो मिलेनियल्स का जो कल्चर है वो क्या अपना पाएंगे कि नहीं अपना पाएंगे, आप कितनी स्मार्टली एक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, आप कितने अच्छे से सिचुएशन को पहले से भाप सकते हैं, आपकी जो गेस्ट की नीड है उसको कैसे आप अंडरस्टैंड करके फुलफिल कर सकते हैं. इसके अलावा जो ज़रूरी बातें होती हैं, आपके जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स होते हैं वो, और आप में इंटेलिजेंस कितनी है. अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर रहे हैं और आपको लोगों ने ये कह दिया है कि होटल मैनेजमेंट में आपको इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम मिल जाता है, काम ऐसे ही मिल जाता है. अगर आपको रियली करियर बनाना है, अगर आपको करियर की सेंस है कि करियर वर्ड क्या होता है, तो आपको एक इंटेलिजेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है. इंटेलिजेंस अपने ऑपरेशंस में, इंटेलिजेंस गेस्ट हैंडलिंग के लिए, इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी के लिए, इंटेलिजेंस आप अपनी इमेजिनेशन को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं यूज़ कर पा रहे हैं. अगर हम लोग लड़कियों की बात करें तो उसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी डिमांडिंग होता है. अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला या आपके लेवल का नहीं मिला या आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिला है, तो उस समय आपको परेशानी आ सकती है. आपको वर्क लाइफ बैलेंस को जो है उसको उन चीज़ों पे डिसीजन लेने की अगर क्षमता है लेटर अपनी लाइफ में, तो बहुत ही ठीक है आपका डिसीजन कि आप होटल मैनेजमेंट को अपना करियर बनाएं. इसके अलावा जो मैं ऐड करना चाहूँगी इस चीज़ में वो ये है कि आपको उस कल्चर में, जिस भी प्रॉपर्टी में आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस कल्चर में आप अडेप्टेबिलिटी कितनी है आपकी, आप क्या अडेप्ट हो पाते हैं, आप स्टबन तो नहीं हैं, आप लोगों के अनुसार टीम वर्क में काम करने के लिए राज़ी हैं या नहीं हैं, आपको अपने जो पीयर्स होते हैं, अपने जो सीनियर्स होते हैं, अपने जो जूनियर्स होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, क्या आप इंडिविजुअली काम करते हैं या ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें भी काफ़ी मायने रखती हैं. आप पहले अपने अंदर इन बातों को ज़रूर टटोल लें. तो ब्रीफ में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में ये सब क्वालिटीज़ हैं, इसको अगर हम लोग समअप करें, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका ग्रूमिंग हाइजीन स्टैंडर्ड, आपका अंडर प्रेशर काम करने का तरीका,
आपका आपकी अडेप्टेबिलिटी, आपका IQ प्लस इमोशनल क्वोशेंट भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि इमोशनली भी काफ़ी ड्रेनिंग होता है होटल मैनेजमेंट का करियर। क्योंकि अगर आप किसी भी दुविधा में हैं अंदर, आपको किसी भी प्रकार की एंग्जाइटी है या किसी तरह आप कोई चीज़ पे आप पर्सनली किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते हैं, आप उसके अनुसार काम नहीं कर सकते हैं, आपको गेस्ट की जो नीड्स हैं, गेस्ट की जो सेटिस्फेक्शन है, उस लेवल पे काम करना है, भले ही आपके अंदर आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी सही होना चाहिए। मैं यहाँ पे राइट एटीट्यूड की बात कर रही हूँ, ना पॉजिटिव, ना न्यूट्रल, ना नेगेटिव एटीट्यूड, मैं ये बात कर रही हूँ कि जो सिचुएशंस आपके सामने आती हैं उसमें आप किस एटीट्यूड से काम करते हैं कि वो जो उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो फ्रूटफुल हों और सक्सेसफुल हो आपके लिए, तो वो एक एटीट्यूड आपको कैरी करना पड़ता है हमेशा ही। और साथ ही साथ नॉलेज जो है होटल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़रूरत होती है, इन्फॉर्मेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है अपने अपने जो ऑपरेटिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे। और ये करियर काफ़ी अच्छा है अगर आप देश विदेश की सैर करना चाहते हैं, अगर वहाँ आप काम करना चाहते हैं, तो काफ़ी ब्राइट करियर है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं इस इंडस्ट्री से। तो ये सारी चीज़ें अगर आप में हैं तो आप मेल हैं या फीमेल हैं उससे कभी भी कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। अगर आप कोई पर्सनली मेरे से राय लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक पे अपने आप को ऐड कर सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मैं हूँ, तो वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स मैं आपको नीचे दे देती हूँ कि कहाँ कहाँ आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई इस तरह की इंट्रैक्शन है, ज़रूरी है, तो आप मुझे इन थ्रू मेल आप मुझे इन टच रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट गर्ल्स, यू हैव द पावर, यू कैन कम आउट शाइन ब्राइट, जस्ट फील इट, प्लान इट एंड डू इट, फाइंड योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू choose your suitable career. Bye-bye for now. Hope this is going to help you. Take care. Bye.